राजधानी लखनऊ में विधानसभा 165 प्रभारियों को सन ऑफ मल्लाह मुकेश सैडी ने वीआईपी में नए मोटरसाइकिल और प्रचार किट के साथ हरी झंडी देकर किया रवाना। यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर वीआईपी पार्टी की गतिविधियां हुई तेज। लड़ाई लड़ते लड़ते सामाजिक लड़ाई लड़ते लड़ते हमने 2018 में पॉलिटिकल पार्टी बनाया और मुझे एहसास हो गया कि सत्ता पावर में आएंगे तभी तो आपका समाज का काम होगा, आपकी जो भी एजेंडा है वो पूरा होगा। इसके लिए हमने पार्टी बना के और 2020 में हम सरकार के साथ है, एनडीए में हम बिहार में साथ मंत्री हैं और समाज के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। अभी पार्टी को विस्तार करना, इसलिए हमने उत्तर प्रदेश चुना है। उत्तर प्रदेश में हम मजबूती से लड़ाई लड़ रहे हैं, 165 सीट पर चुनाव लड़ेंगे और यहाँ पे मजबूती से लड़ाई लड़कर जीतेंगे और हमें दिल्ली पहुंचना है। इसलिए हम 2022 में उत्तर प्रदेश आए ताकि दिल्ली का रास्ता हमें आसान हो जाएगा और मजबूती से तैयारी कर रहे हैं ताकि हमें लगे कि हमारे पास कितना वोट बैंक है और अगले को भी एहसास हो जाए कि हमारे पास ताकत क्या है। लोग हमारे वोट को अपने जागीर समझ रहे हैं, ऐसे लोगों को आने वाले समय में बताना है कि निषाद का वोट निषाद के बेटा के साथ है, आपके साथ नहीं है। आप भले किसी को एक एमएलसी दे दीजिए, दो टिकट दे दीजिए, उसे समाज आपके साथ नहीं आएगा। निषाद का जो मुख्य लड़ाई है आरक्षण, वो आरक्षण लागू कीजिए, समाज आपके साथ रहेगा। तो हमारी लड़ाई है कि हम अपनी ताकत वजूद दिखाएं, जिस तरीके से किसान आंदोलन किया और बैठे एक साल तक बैठे रहे तो केंद्र सरकार को एहसास हुआ और तीसरी बिल वापस लिए, उसी तरीके से हम लोगों को काम है कि केंद्र सरकार से लड़ाई लड़ते रहेंगे, एक न एक दिन अपनी ताकत का एहसास कराएंगे और हम अपनी मांग को पूरा कराएंगे। और तब तक तो मुझे लगता है 24 तक हम लोग दिल्ली पहुंच जाएंगे। जिस रोज दिल्ली में हमारे 10-15 सांसद होंगे और हमारे सहयोग से दिल्ली में सरकार होगा उस रोज हमारे काम हो जाएगा, क्योंकि आरक्षण ऑलरेडी हमें संविधान में लागू है। बंगाल में आरक्षण मिल रहा है, दिल्ली में आरक्षण मिल रहा है, लेकिन